पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के केंद्रीय महामंत्री मेरे भाई आदरणीय अशोक शर्मा जी, मंचा सिंह, आदरणीय धर्मेन्द्र मिश्रा जी, जिनके मार्गदर्शन में 3 साल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया। नगर विधानसभा का हमने चुनाव जीता, मेरे जैसा चुनाव जो कि बहुत कम था बहुत लोगों ने जीता, इसलिए रवि जी को बहुत बहुत बधाई। मंचा सिंह, मेरे भाई श्री गिरीश शर्मा जी, सुरेंद्र विश्नोई जी, राजू कालरा जी, गौरव श्रीवास्तव जी, नंदराम कश्यप जी, श्याम बिहारी शर्मा जी, सम्मानित मंच इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आज का दिन संजय शर्मा जी का दिन, हम सब लोग आज उनको सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं, आकाश पाल जी, संजय शर्मा जी, सब लगभग एक ही समय की होती है भारतीय जनता पार्टी में, लगभग एकाध साल आगे पीछे रहा होगा। हम लोगों की स्थिति वो थी जब भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आए थे, हम लोगों की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। मेरे को ध्यान है कि जब पार्टी ऑफिशियल ज्वाइन नहीं की थी उससे पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ कैप्टन तक होते थे। भाई गांधीनगर में मैं रहता था तो गांधीनगर में जो बूथ था ना, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो तो गांधी जानते थे कौन है, तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है जी। जिस दिन चुनाव होता था उस दिन बूथ कैप्टन हो जाते थे, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्राई किया करते। तो ऐसे ही पहली बार केंद्रीय मैसेज जब जिलाध्यक्ष बने, उनको जानता बहुत पहले से था, जब 96 में जिलाध्यक्ष बने तो रेती बोलने में एक मुन्ना चाचा हुआ बोल रहे थे, बहुत पुराने वो भाजपा में रहे थे, तो मुझसे बोले कि चल मेरा जो है भांजा या भतीजा कुछ काम उन्होंने जिलाध्यक्ष बना तेरे को मिलवा के लाता हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग उस समय गर्म दल के थे, जब मिलवाया तो उन्होंने कहा कि वो ये लड़का है विदेश बहुत अच्छा है, बोले हाँ मैं जानता हूँ उसको, तो उसको भूपेजी वैसे में हटाया कही बात मोहन से मिला, बोले भाजपा की सरकार है गुंडागर्दी नहीं चलेगी, संभाल के काम करना। मैंने चाचा को बाहर आके काम करना, तुमने किससे मिलवा दिया यार, हम तो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, है ना, हमेशा खुद कैसे कर रहे हैं, यहाँ कारण ऐसा मत करना वैसा मत करना। तब से हम लोगों की शुरुआत भूपेन्द्र जी भाई साहब जिले की कार्यकारिणी में सबसे छोटे पद पे थे, जब बैठ के हुआ धोती होंगी तो जैसे वो विपक्ष शर्मा पीछे कोने में बैठे हुए, हम लोग भी ऐसे बैठा करते थे, भूपेन्द्र जी भाई साहब भी वैसे बैठा करते थे। लेकिन आज प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के संगठक संजय शर्मा जी, जिन्होंने युवा मोर्चा के छोटे से पद से शुरुआत करी अपनी और आज महानगर अध्यक्ष के रूप में हमारे पीछे बैठे हुए। तो ये सुंदरता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेस पार्टी जिसको कहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही देश के कार्यकर्ता कहा जाता है, ना सपा में कहा जाता है, ना बसपा में कहा जाता है, ना कांग्रेस में कहा जाता है, कहा जाता है क्या एक यही है पार्टी जिसका एक मिशन है, जो कार्यकर्ता आप लोग सब बैठे हैं आप लोगों की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आपसे पूर्व जो लोग रहे, जिन लोगों ने अपना समय दिया, अपना बलिदान दिया, पार्टी को सींचा, तो ऐसे कार्यकर्ता हमेशा से चलते चले आए, आज उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पहुंचे। जो भाई कहते पहले 200 शुरुआत की, आज हम लोग 300 पार हैं। तो ये ऐसी पार्टी है, इसमें विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अच्छे मन से काम कर रहा है वो आगे आना है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अच्छे मन से जो व्यक्ति लगा हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। आज क्योंकि संजय शर्मा जी यहाँ पे अध्यक्ष रूप में बैठे हैं, मैं एक किस्सा हमेशा सुनाता हूँ जब भी ऐसा मौका होता है, कार्यकर्ता होते हैं, किस तरह कार्यक्रम होता है। युवा मोर्चा में मैं काम कर रहा था, प्रकोष्ठ में भी मैंने काम किया। आज किसी को प्रकोष्ठ की बात करो, समस्या क्या है कि जो आता है पहले महामंत्री बनना चाहता है, सीधा महामंत्री महानगर का महामंत्री बना दो जी सीधा, और सिखाओ मोर्चा को कुछ बन जाए भैया, कुछ और कोई पद देना है, सीधा महामंत्री बनना है, कोई पद छोटा है बड़ा नहीं हुआ। आज भी काम से पद की पहचान बनती है। हम लोगों ने मेरी शुरुआत प्रकोष्ठ से थी, प्रकोष्ठ जिस समय मेरे को पहली बार पद दिया जा रहा था
तो मेरे को ये नहीं पता था कि मैं महानगर प्रकोष्ठ का पदाधिकारी का होता है या मंडल का उपाध्यक्ष मंत्री का होता है। मेरे पास ऑफर आया कि भाई या तो आप मध्य नगर मंडल में उपाध्यक्ष बन जाओ या फिर किसी प्रकोष्ठ में आपको मंत्री बना देंगे। तो मैंने कई लोगों को फोन किया, मैंने उससे पद कौन सा पढ़ा ये बताओ, यही नहीं पता था। फिलहाल प्रकोष्ठ में मेरे को लगाया महानगर का मामला है तो महानगर का मैं उपाध्यक्ष बनता हूँ। प्रकोष्ठ में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में सबसे पहले मैं महानगर में 97 में उपाध्यक्ष रूप में मैंने काम किया। उसके बाद फिर युवा मोर्चे का काम किया, फिर 2000 में सरल सदी का डिग्री मारा, गांधीनगर में जहाँ मैं रहता था वो हमारे दादाजी की बसाई कॉलोनी थी, अपने समाज के लोग रहते, मेरे को लगता था कि मेरे को टिकट मिलेगा। और मोहल्ले के लोग भी कहते थे कि आपको टिकट मिलेगा तो कोई बात नहीं होगा, आपको जाओ टिकट मांगा, परिस्थिति रही नहीं मिला कोई बात नहीं, जिसको मिला उसको जिताया, उसका फायदा मिला। बहुत से लोगों ने मेरे को समझाया उस समय, अरे तुम निर्दलीय खड़े हो जाओ, पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन मैं नहीं माना। जिसको टिकट दिया उसके साथ में खड़ा हो गया, उसको जिताया भी, खड़े नहीं हो गांधीनगर में कोई वोट वोट लेकर आता लेकिन जितवाया, कमल का फूल निशान लेकर। आज उसी का नतीजा है कि सभासदी का टिकट मांगा नहीं मिला, पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया, उससे ज्यादा बढ़ के फिर विधायक का टिकट दे दिया, फिर विधायक आप लोगों ने बना दिया, तो कोई रोक पाया क्या? अगर उस समय मैं भटक जाता था तो बहकावे में आया तो अपनी जॉब पे लगाने वाला कोई भागता पार्टी का भागता नहीं था, वही लोग बहका रहे थे, अरे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, जीत जाओ। मैं खड़ा होता तो शायद आप लोगों के बीच में विधायक बनकर नहीं था, ये तय बात है। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो भी है, जो व्यक्ति लगा है मंत्री के साथ काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसका एडजस्टमेंट भी होगा और वो इस मंच पे आएगा भी, और कोई परमानेंट नहीं है सीट की। मैं भी कोई परमानेंट नहीं हूँ, यहाँ कितने लोग बैठे हैं कोई परमानेंट नहीं है, आप लोगों में से कोई लोग यहाँ पे आके बैठेगा और ये लोग यहाँ बैठेंगे या कहीं और बैठेंगे, ये तय है, परमानेंट किसी का मामला नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि संजय शर्मा जी विशुद्ध रूप से कार्यकर्ता है, इनकी माता जी का बहुत योगदान बहुत प्यार रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो जेल तक गई है, इनकी माता जी जेल तक गई, जेल कई दिन तक जेल की सजा काटी हुई। संजय जी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य अपने शुरुआत करने के साथ साथ महानगर में डॉक्टर शिरोमणि कमेटी के मंत्री के रूप में काम किया, उस समय उपाध्यक्ष था, मैं अध्यक्ष बना। मेरे को इस बात को कहते हैं बड़ा गर्व होता है कि मुरादाबाद में मेरे को 3 बार अध्यक्ष रहने का मौका मिला, हालांकि संविधान भी 2 बार का है लेकिन मैं 3 बार रह गया। एक बार मेरे को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला 2009-2010 में अध्यक्ष बना, उसके बाद 2012 में पुनः मेरे को अध्यक्ष बनाया, 3 बार मेरा कार्यकाल का सबसे लंबा कार्यकाल मेरा। तो ऐसी है पार्टी, 2012 में तो मैं के बाद मेरे बनने का मन भी नहीं था, मैं आपको सही बता रहा, मैंने कहा था कि मैं जो है अपनी राजनीति करूंगा ये वाली राजनीति वाली, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से उस समय जो काम किया कार्यकर्ताओं के बल पे काम किया। पहली बात तो संजय भैया से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में अकेले सोचे कि मेरी वजह से हो रहा है तो उसकी वजह से नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के बिना कार्यकर्ता के कोई भी कुछ नहीं कर सकता, पद तो आना जाना है लेकिन सम्मान अगर कार्यकर्ता का होता रहेगा तो हम लोग पद ना रहने के बाद भी सम्मान प्राप्त होते रहेंगे। और मेरे को एक बहुत खुशी इस बात की होती है कि मैंने 4 प्रदेशों के साथ काम किया, 4-4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया, 2009 में द्रौपदी राम त्रिपाठी जी के साथ काम किया, उसके बाद सुरेश त्रिपाठी जी के साथ मैंने काम किया, उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ मैंने काम किया, उसके बाद केशव जी भाई के साथ मैंने काम किया। तो मैं संजय भैया से कहना चाहता हूँ कि आप भी इस रिकॉर्ड को ब्रेक करो, इतना अच्छा काम करो, सब लोगों को साथ लेके चलो कि 2024 का चुनाव आपके नेतृत्व में तो होना ही है लेकिन 2027 का चुनाव भी आपके नेतृत्व में हो, ऐसा काम करते हैं। बहुत तारीफ का विषय है कि आप हम लोगों के बीच में अध्यक्ष बन के आए हैं, आपके अध्यक्ष बनने में हर व्यक्ति का योगदान है, हर कार्यकर्ता की दुआएं हैं और आप ऐसे ही उन्नति करें और इससे ऊपर और ऊंचाई आप प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। और आज
इतना भव्य स्वागत आज संजय भैया का किया गया है, सारे कार्यकर्ताओं ने दिल से स्वागत किया। इसके लिए मैं हमारे कमल गुलाटी जी जो कि कल से तैयारी में लगे हुए हैं, 50 लोगों को फोन किया जिन्होंने कि ऐसा अगर मैं आप आओ तो देखते चलोगे कार्यक्रम का बहुत बढ़िया कार्यक्रम। कमल गुलाटी जी और उनकी टीम यहाँ पर है, हमारे त्यागी जी और सब लोग खड़े कार्यकर्ता खड़े हैं उनके द्वारा, और धर्मेंद्रनाथ मिश्रा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा जो है धर्मेंद्रनाथ मिश्रा जी का हर व्यक्ति को लगाओ तो हो ही जाता है, कोई भी चाहे मैं हूँ ये तो इंसान की प्रवृत्ति है। लेकिन धर्मेंद्र जी ने बहुत बड़ा दिल करके संजय शर्मा जी का ऐतिहासिक स्वागत कराया और कल से ही वो चिंता करने का उनका मेरे पास दो तीन बात बोला है कि भैया कार्यक्रम कैसे करना है, आज करें कल करें, बहुत बड़ी बात है। इसलिए धर्मेंद्रनाथ मिश्रा जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, और इसी के साथ इस उम्मीद के साथ कि संजय भैया सबको साथ लेके चलेंगे और नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत नितेश गुप्ता जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, अब तक हमारे अध्यक्ष रहे, बहुत ही जिन्होंने मेहनत से और बहुत ही दिल से काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी धर्मेंद्र मिश्रा जी, यशस्वी अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी और पिछड़ावाल आयोग के गिरीश वर्मा जी, सुरेंद्र बिश्नोई जी और राज्यपाल जी, आदरणीय गौरव श्रीवास्तव जी, महाराष्ट्र के महामंत्री नथुराम कश्यप जी, महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा जी, महामंत्री कमल गुलाटी जी, मेरे भाई महामंत्री दिनेश सीरसवाल जी, उपस्थित मातृशक्ति एवं मेरे साथी कार्यकर्ता बंधुओं जिनके साथ में आज तक हमेशा गंगा मिलाकर पार्टी के लिए काम करता आया। आज सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से आपने मेरा स्वागत किया और इतना असीम प्यार दिया मुझे यहाँ पर, मैं बहुत आत्म विभोर हूँ। आपके इस कष्ट को मैं आप कैसे उभारूँगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर अच्छे प्रयास करूँगा कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता कभी मुझसे नाराज ना हो और मैं हर कार्यकर्ता को चलने का प्रयास करूँगा। और आज मैं यहाँ अगर अध्यक्ष बनाऊँ, कार्य तो मैंने किया ही है जो भी है, लेकिन मैं कह दूँ मुझे कोई संकोच नहीं कि माननीय हमारे विधायक जी का बहुत आशीर्वाद मुझ पर रहा, अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, और भी मेरे साथी संगी साथियों का भी बहुत आशीर्वाद रहा मुझे बनाने में, सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए प्रयास किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मित्रों ये सब आज बहुत खुशी का दिन है, बातें तो होंगी, आगे भी बैठेंगे, और हमारे सामने सबसे बड़ा जो लक्ष्य है अब 2024 का है, हमें अपना ध्यान 2024 के लिए केंद्रित करना है और हमें अपनी लोकसभा की सीट बहुत बड़े अंतर से जिताकर भेजनी है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमें काम करना है। जब मैं छोटा सा कार्य करता था तब मैं कभी नहीं समझता था, मैंने पार्टी में भी काम किया है, मैंने बूथ में भी काम किया है, युवा मोर्चे में भी काम किया, सबने मेरे बारे में बताया भी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज किसी दिन अध्यक्ष भी बन सकता हूँ। लेकिन ये खासे ऐसा पार्टी ही है जिसमें कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता एक दिन अध्यक्ष बनने के सोच भी नहीं सकता, हो जाता है तो, लेकिन उसके लिए बहुत ही संयम की जरूरत होती है। मित्रों पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।